ब्रजभूषण जी को इस्तीफा ही नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज़्यादा है इस मेडल की कीमत। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुंडों की रक्षा मुमकिन है, मोदी है तो यौन शोषण के अपराधी का छुट्टा घूमना मुमकिन है। साथियों, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविक साहा और मैं योगेंद्र यादव यहाँ पहलवानों के धरने में जय किसान आंदोलन की तरफ से, स्वराज अभियान स्वराज इंडिया की तरफ से और देश भर के जन आंदोलनों की तरफ से यौन शोषण के खिलाफ संघर्षरत किसानों का समर्थन करने के लिए आज आए हैं। ये धरना कोई साधारण धरना नहीं है, एक महीने से चल रहा ये धरना इस देश में आज सच और न्याय की आवाज़ बन चुका है। देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले पहलवान आज जो संघर्ष कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, किसी एक राज्य का, किसी एक जाति का संघर्ष नहीं है, आज ये धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, प्रधानमंत्री जिसमें शामिल है, वो अधर्म के साथ खड़े हैं। आज मैं इस देश के सत्ताधारियों से कहना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सत्ता है, पुलिस है, ईडी है, मीडिया भी है दुर्भाग्यवश, लेकिन आप अब भी इस देश की आत्मा खरीद नहीं सकते। इस देश की आत्मा इस आंदोलन के साथ है। आज इस आंदोलन को एक महीना पूरा हो गया है और आपके माध्यम से मैं देश के हर न्यायप्रिय व्यक्ति से अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस देश में औरतों को इज्जत से जीना चाहिए, तो कृपया इस धरने में आके समर्थन दीजिए। मैं हर न्यायप्रिय हिंदुस्तानी से अपील करता हूँ, अगर आप इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, तो कृपया इस धरने का समर्थन कीजिए। मैं इस देश के तमाम बड़े खिलाड़ियों से, क्रिकेटर्स से, हॉकी के खिलाड़ियों से, एथलीट से अपील करता हूँ, आपने जो कुछ इज्जत हासिल की है, उस इज्जत को इस धरने के समर्थन में खर्च कीजिए। आज ये देश की इज्जत का सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अंततः विजयी होगा। ब्रजभूषण जी को इस्तीफा ही नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए। सत्यमेव जयते इस देश का मोटो है, अंततः सत्य की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो मेडल के भी कीमत लगा दी, उन्होंने कहा 15 रुपए का मात्र मेडल मिलता है, अगर वापस करना ही है, जितना पैसा दिया गया है खिलाड़ियों को, वो वापस करिए ना। ब्रजभूषण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज़्यादा है इस मेडल की कीमत। इस मेडल को हासिल करने में जितना खून पसीना लगा, उसकी कीमत चुनाव में खर्च किए आपके पैसे से ज़्यादा है। मैंने कहा, ये सीधा सीधा धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज जो पहलवान यहाँ इस धरने पे बैठे हैं और जो देशवासी इस धरने के समर्थन में यहाँ आए हैं, वो सब धर्म की आवाज़ को व्यक्त करते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता, धर्म का मतलब वो जो धारण करने योग्य हो, और धारण करने योग्य है वो जो सच की आवाज़ है। आज ये तीन पहलवान, मुझे विनेश फोगाट से बात करने का अवसर मिला, मैंने यही कहा, बेटा आप आज इस देश की हर लड़की का दर्द बयां कर रही हो, अगर आप चुप हो जाती
तो लाखों औरतों का मुंह बंद हो जाता। आप खड़ी हो, ये लाखों करोड़ों औरतों को हिम्मत देता है और ये सच की लड़ाई है, लड़नी जरूर है। ब्रजभूषण कानून से बड़े इतने दिनों में लाखों हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही पड़ी सर? आम आदमी तो पुलिस ने उठा के भी बंद कर देती है, आम आदमी तो पुलिस। आप बिल्कुल सवाल ठीक पूछ रहे हैं, ये सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। क्या ब्रजभूषण सिंह कानून से बड़े हैं, इस देश के संविधान से बड़े हैं? क्या इतने जघन्य अपराधों का गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर छुट्टा बाहर घूम रहा है तो इससे संविधान और कानून के बारे में क्या पता लगता है? शर्म की बात है, एक भारतीय के नाते कम से कम मेरा तो शर्म झुक जाता है, सर झुक जाता है। पता नहीं प्रधानमंत्री का सर क्यों नहीं झुकता। सर वो बोल रहे हैं निर्दोष है तो वो कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजभूषण बोल रहा है कि वो निर्दोष है तो वो गिरफ्तारी विवेचना हो जाएगी, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर निर्दोष है तो कुर्सी छोड़े, जी जांच का सामना करें, जेल में जाएं, अग्नि पथ पे चलें, और अगर सच्चे हैं तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो देश को पता लगे। बात सच ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर क्या बोलेंगे? महिलाओं के यौन शोषण के सवाल पर प्रधानमंत्री की विचित्र चुप्पी, एक शब्द भी न बोलना उनका, दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो प्रधानमंत्री को लगता है कि औरत जात है, क्या फर्क पड़ता है, अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। या प्रधानमंत्री को लगता है कि ना भाई, वोट का समीकरण इस तरफ है, मैं इसको कैसे छू दूं, अगर ये है तो भी शर्म की बात है। दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने होने का नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो ऐसा सोचते हैं। योगेंद्र जी, बीजेपी, एक मिनट, एक मिनट। मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन सब नारों की परीक्षा तभी होती है। ये नारे देना, शब्द बोलना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, परीक्षा तब होती है जब आपका कोई नज़दीकी इसमें फंसता है और आप जब उसके बारे में कुछ करते हैं। जब उस पे नहीं करते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पाखंड हैं, झूठ हैं, केवल शब्दावली। योगेंद्र जी, बीजेपी ने कहा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, 2014 में इसी बात आई थी कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या वो नारा भूल गई बीजेपी? आपको बीजेपी के कितने नेता दिख रहे हैं यहाँ पीछे महिलाओं के सम्मान में? तो वही तो बताया जा रहा है कि ये मंच भी राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया है। आज मैं जब पहलवानों से मिला तो मैंने यही कहा कि पार्टी की राजनीति से बचना चाहिए, जाति के चीज़ों से बचना चाहिए। और सच बात ये है कि अगर इस मामले में कहीं कोई राजनीति है, राजनैतिक समीकरण है, तो वो ब्रजभूषण के पक्ष में मोदी जी की चुप्पी में राजनीतिक समीकरण है। साफ साफ खेल है कि एक जाति विशेष का वोट उत्तर प्रदेश में कम ना हो जाए, उसका खेल है। ये है राजनीति, राजनीति इस तरफ नहीं है, राजनीति उस तरफ। सर योगेंद्र जी, अगर आप जो कहा था, हमने जवाब नहीं दिया कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या वो नारा भूल गई है, उस पर क्या कहोगे? मैंने वही उसके जवाब में ही तो पूछा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहाँ दिख रही है, कितने बीजेपी के नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं? एक भी व्यक्ति दिखा है, इसका मतलब है मैदान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुंडों की रक्षा मुमकिन है, मोदी है तो यौन शोषण के अपराधी का छुट्टा घूमना मुमकिन है, मोदी है तो सरकार की बड़े से बड़े अपराध पे चुप्पी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में अधर्म और गुंडागर्दी मुमकिन है।